अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इजी डेजर्ट, कैरमल कस्टर्ड पुडिंग केक। इसे बनाना बहुत ही आसान है, टेस्ट इसका लाजवाब है। इसमें आपको कैरमल पुडिंग और केक तीनों का टेस्ट मिलेगा। इसे मैंने स्टीम करके बनाया है, तो चलिए बनाते हैं। तो पहले मैं कैरेमल तैयार कर ले रही हूँ। एक पैन लिया, उसमें डाला 1/4 कप चीनी और 1.5 टेबल स्पून पानी इसमें डाल दिया है। मीडियम हीट पर इसे चीनी को मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद चीनी जो जल जाएगा यानी कैरेमलाइज्ड हो जाएगा, तो इसे कैरेमलाइज्ड करना है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, आप देख सकते हैं चीनी ने अपना कलर चेंज कर दिया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। कैरेमल तैयार हो गया है, अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी जिस मोड या जिस डिश में मैंने केक बनाया, पुडिंग बनाया, उसमें इसे डाल देते हैं और इसे चारों तरफ से इस तरह से फैला लेते हैं। उसके बाद इसे साइड कर लेते हैं ताकि कैरेमल अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब मैं पुडिंग बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डाला है चीनी, 1/4 कप पीसी हुई चीनी लिया है। मैं हनी डाला है, 3 टेबल स्पून हनी डाल दिया है। और 4 अंडे मैंने डाले हैं। बहुत ही बनाना आसान है, इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं, ओल्ड एज के लोगों को भी बना के दे, उन्हें बहुत पसंद आएगा। वनीला एसेंस दे दिया है 1 टीस्पून। अब इसे विस्कर की मदद से, हैंड विस्कर की मदद से मैंने अच्छी तरह से विस्क कर लिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें मैंने डाला है दूध, रूम टेम्परेचर में दूध है, 1.5 कप दूध डाला है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है, तो पुडिंग का मिक्सचर तैयार हो गया है। इसे साइड कर लेते हैं। अब मैं बना रही हूँ केक का बैटर, तो इसके लिए मैंने एक दूसरा बॉल लिया, उसमें 2 अंडे डाले हैं। पीसी भी चीनी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने थोड़ा सा गर्म पानी एक बॉल में रखा था, उसके ऊपर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि चीनी अच्छी तरह से जल्दी से मेल्ट हो जाए। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक बीटर लिया है, उसे अच्छी तरह से इसे बीट करना है, हाई स्पीड पर बीट करना है जब तक कि ये क्रीमी सा ना हो। इसका कलर चेंज हो जा रहा है और ये बिल्कुल फोम की शक्ल में आ गया है, अच्छी तरह से इसमें आ गया है क्रीमिश। इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मैदा, 1/2 कप मैदा लिया है, उसे अच्छी तरह से स्टीम की मदद से छान के इसमें ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड कर रही हूँ, सॉरी। मैदा ऐड कर दिया, उसके बाद इसको हल्के हाथों से मिला लेना है ताकि जो अंडा मैक का क्रीमी टेक्सचर था वो ख़त्म ना हो, यानी एयर इसका रहना चाहिए। तो अच्छी तरह से इसे कंबाइन कर लिया है। उसके बाद पहले मैंने डाला है पुडिंग के मिक्सचर को, जिस पुडिंग का मिक्सर पहले ऐड किया है, जिसमें कैरेमल मैंने डाला था। इसी बर्तन में स्टीम करना है और उसके ऊपर से डाल दिया है केक के बैटर को। इसको मिक्स नहीं करना है, ऊपर में फ्लोट करेगा ये। तो 3 लेयर तैयार हो जाएगा, कैरेमल का, पुडिंग का और केक का। बहुत ही ज़बरदस्त ये हुआ था, मैंने पहली बार बनाया था, बहुत पसंद आया था सब लोगों को।
तो व्यूवर्स आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको पुडिंग पसंद है तो। वैसे स्टीम करना पुडिंग को, तो मैंने एक बर्तन लिया था, उसमें टू एंड हाफ कप पानी डाला था, उसे अच्छी तरह से बॉयल कर दिया था और केक के जो पुडिंग का मोल्ड है उसमें डाल दिया था। फ्लेम को मीडियम कर दिया था और इसे 25 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर स्टीम किया था और इसे चेक कर लिया था भी थोड़ा सा टाइम कम बेश हो सकता है। अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। आई होप कि कैरेमल पुडिंग कस्टर्ड की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, टेस्ट के साथ देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों को बना के दे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पार्टी वगैरह में भी आप बना सकते हैं, बहुत लाइट सा ये डिज़र्ट है जो आसानी से बन जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।